जय श्री राधे कृष्ण, जय शंकर भगवान की। आज हम जानेंगे हम मनचाहा जीवन साथी, मनचाही शादी करने के लिए कौन से वो उपाय करने हैं जिससे राधा कृष्ण की कृपा होगी। पूज्य गुरु जी द्वारा बताई गई जानकारियां हैं, शास्त्रों द्वारा बताई गई ऐसी जानकारियां हैं कि जिनकी कृपा पाने के लिए आप उपाय कर सकते हैं। घरेलू उपाय बताऊँगा, चमत्कारिक उपाय। शीघ्र विवाह होगा, मनचाहा जीवन साथी मिलेगा। बस आपको एक बार करके देख लेना ये उपाय। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। आप जिससे शादी करना चाहते हैं अवश्य आपकी मुरादें विष्णु भगवान की कृपा से शीघ्र ही पूर्ण होंगी। चलिए जानते हैं आखिर कौन सी हैं वो जानकारियाँ, इस वीडियो में कौन से छुपे हैं रहस्य। बहुत सारी जानकारियाँ जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी से लाइक करके सब्सक्राइब कर लें चैनल को और सच्चे मन से सच्चे भाव से लिख दें जय श्री राधे कृष्ण। जय शंकर भगवान की माता पार्वती, शंकर भगवान शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण करें, यही भगवान शिव से प्रार्थना माता पार्वती से। और जानेंगे संपूर्ण जानकारी। भगवान शिव शंकर का स्वरूप सभी देवों में निराला है। वे अपने शरीर पर भस्म, माथे पर चंद्रमा, अपनी जटा में गंगा और गले में भुजंग धारण करते हैं। शिव जी को बहुत दयालु माना जाता है। कहा जाता है कि शिवलिंग पर सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाने से ही महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं। शिव जी को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए सोमवार का दिन सबसे विशेष उत्तम दिन माना जाता है, बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। यही वजह है कि सोमवार के दिन महादेव के भक्त विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। कुंवारी लड़कियां भी मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए इस दिन व्रत रखती हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में शिव जी से जुड़े ऐसे कई उपाय भी बताए गए हैं जिनसे न केवल मनचाहा जीवन साथी मिलता है बल्कि कहा जाए तो हर मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होती है। तो चलिए जानते हैं मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए कौन से करने हैं विशेष उपाय। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जरूर कर दें और सच्चे भाव सच्चे मन से लिख दें जय श्री राधे कृष्ण, जय शंकर भगवान की। सबसे पहली बात जानेंगे मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए उपाय। यदि आप मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं तो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस में शिव पार्वती के प्रसंग को सोमवार के दिन पढ़ें। साथ ही अच्छे जीवन साथी की कामना करें। शिव जी प्रसन्न होकर जल्दी आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। शिवलिंग पर चढ़ाएं केसर वाला दूध। जिन जातकों के विवाह में देरी हो रही है, मनचाहा जीवन साथी की प्राप्ति करनी है, उन्हें सोमवार के दिन शिवलिंग पर केसर मिश्रित जल चढ़ाना चाहिए। इससे शिव जी प्रसन्न होते हैं और जल्द शादी के योग बनने लगते हैं। बहुत ही अच्छे उपाय हैं, एक बार करके देखिए। शिव जी का रुद्राभिषेक सोमवार के दिन किसी भी शिव मंदिर में जाकर आपको पांच फलों से, ध्यान रखें कि पांच फलों के रस से भगवान शिव का अभिषेक करवाएं। मान्यता है कि इससे न केवल जल्द विवाह के योग बनते हैं बल्कि आपके ऊपर आने वाले संकट भी भगवान शिव की कृपा से शीघ्र दूर हो जाते हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए करें उपाय। भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय को बेहद चमत्कारिक माना जाता है। ये मंत्र समस्याओं से मुक्ति दिलाने के साथ ही हर मनोकामना को पूर्ण करता है। इस मंत्र का सकारात्मक परिणाम आपको बहुत ही जल्द देखने को भी मिलते हैं। इसलिए हर सोमवार को इस मंत्र का सभी जातकों के लिए बताया जाता है कि जाप अवश्य करना चाहिए। ऐसा चमत्कारिक मंत्र है। शिव माता पार्वती शीघ्र प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा होती है। हम सभी अपने जीवन साथी को लेकर सपने देखते हैं, सपनों का राजकुमार या राजकुमारी मिल जाए तो उसके साथ शादी में अड़चने भी आ जाती हैं। यहाँ हम बेहद इस वीडियो के माध्यम से सरल कुछ उपाय आपके लिए प्रस्तुत करने वाले हैं, जानने वाले हैं आपको क्या करने चाहिए वो उपाय। विशेष कृपा होगी, केले के वृक्ष की पूजा करें। गुरुवार को केले के वृक्ष के सामने गुरु के 108 नामों का उच्चारण करने के साथ शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए तथा जल भी अर्पित करना चाहिए। मनचाहे जीवन साथी का नाम लेकर आप मनोकामना कर सकते हैं। छुहारे सिरहाने रखकर सोएं। शुक्रवार की रात्रि में 8 छुहारे जल में उबालकर जल के साथ ही अपने सोने वाले स्थान पर सिरहाने रखकर सोएं तथा शनिवार को प्रातः स्नान करने के बाद किसी भी बहते जल में मनचाहे जीवन साथी का स्मरण याद करते हुए नाम लेते हुए इन्हें बहा दें, प्रवाहित कर दें। फिर आपको करने हैं कुछ और उपाय। चांदी की छोटी कटोरी में आपको गाय का दूध
लेकर उसमें शक्कर एवं उबले हुए चावल मिलाकर चतुर्थी के चंद्रोदय के समय चंद्रमा को नैवेद्य बताएं। चंद्रमा में अपने प्रेमी साथी के चेहरे की कल्पना करें, इससे अतिशीघ्र कृपा होगी। और गुरुवार के दिन प्रातःकाल हल्दी युक्त रोटियां बनाकर प्रत्येक रोटी पर गुड़ रखें व उसे आपको गाय को खिलाएं। सात गुरुवार नियमित रूप से यह विधि करने से शीघ्र विवाह संपन्न होंगे। गाय के कान में धीरे से फुसफुसाकर अपने मनचाहे जीवन साथी का नाम लें, संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होंगी। और मंगलवार के दिन देवी मंदिर में लाल गुलाब के फूल चढ़ाएं, पूजन करें एवं मंगलवार का व्रत रखें। यह नौ मंगलवार तक कोई भी पुरुष कर सकता है, लड़का कर सकता है। गुलाब के फूलों के बीच अपने साथी का नाम लिखकर कागज में छुपा देना चाहिए। ऐसे ऐसे उपाय बता दूंगा आप इस वीडियो के माध्यम से। आज आपको बहुत ही अच्छे उपाय जानने को मिलेंगे जो आपके शादी के योग बनने में सफलता प्रदान करेंगे। हर किसी की चाह होती है कि उसे एक अच्छा जीवन साथी मिले, एक ऐसा जीवन साथी जो सुख दुख उतार चढ़ाव और अच्छे बुरे हर स्थिति में उसके साथ खड़ा रहे, और ऐसा जीवन साथी जो अपने पार्टनर की तकलीफों को समझे और उसे प्यार और सम्मान दे। ऐसे में कई लोग ऐसे होते हैं जो मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए कई तरह के व्रत पूजा पाठ और अलग अलग उपाय भी करते हैं। ऐसे में आज हम आपको ऐसे विधि जप बताने वाले हैं जिससे आपको मनचाहा जीवन साथी मिलेगा। हर इंसान का सपना होता है कि उसे एक अच्छा जीवन साथी मिले। कात्यायनी मंत्र जाप से पाए मनचाहा जीवन साथी। जी हाँ, जो उसका ख्याल रखें, उसकी देखभाल करें, ऐसा जीवन साथी हर कोई ढूंढता है। वैसे तो हमारे देश में अधिकतर लोगों की शादी उनके घर वालों की मर्जी से होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो शादी हमारे घर वालों की मदद से हो वही शादी सफल शादी मानी जाएगी। वह हमारी पसंद का जीवन साथी हो तो भी शादी को सफल माना जा सकता है। कई लोग किसी से प्यार करते हैं जिसकी वजह से वह लोग चाहते हैं कि वह आपस में एक दूसरे के साथ शादी के संबंधों में रहने लगे, लेकिन कुछ अनेक कारणों की मदद से ऐसा असंभव हो जाता है। इसलिए हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जो आपकी पसंद का जीवन साथी दिलाने में आपके लिए बहुत ही मदद कर सकता है। अपना मनपसंद का जीवन साथी पाने के लिए आपको हर गुरुवार के दिन पीले वस्त्र व 5 इलायची किसी दरिद्र नारायण को दान देने चाहिए। जी हाँ, जिसकी वजह से आपके द्वारा पसंद प्यार से शादी होती है। और आपको ऐसे कुछ और उपाय विशेष उपाय बताएंगे। मनचाहा वर पाने के लिए आपको हर लड़की को प्रत्येक दिन मंत्र का जाप 108 बार करना चाहिए। क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। पूरे भक्ति भाव से कृष्ण मंदिर में भगवान कृष्ण की बांसुरी व पान का अर्पण करना है। मनचाहे जीवन साथी के लिए आपको कामना करनी है व इसके लिए आपको गुरुवार के दिन अपने जीवन साथी का नाम लेकर केले के पेड़ के सामने गुरु के 108 नामों का उच्चारण करके उस पर घी का दीपक जलाएं और उसमें जल भी अर्पित करें। ऐसा करने से बहुत ही शुभ माना जाता है। आप कर सकते हैं कुछ और उपाय, ऐसे उपाय घरेलू उपाय। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करके सच्चे भाव से लिख दें जय श्री राम जय शंकर भगवान की। चतुर्थी के चंद्रोदय के समय चांदी की कटोरी में शक्कर व दूध डालें, ये बहुत ही अच्छा उपाय माना जाता है। उसके ऊपर से उसमें उबले हुए चावल को डालें तथा उन्हें चंद्रमा को नैवेद्य चढ़ाएं। ध्यान रखें, चतुर्थी के चंद्रोदय के समय चांदी की कटोरी में शक्कर व दूध डाल लें, उसके ऊपर से उसमें उबले हुए चावल को डाल दें तथा उन्हें चंद्रमा को नैवेद्य चढ़ाएं। इस प्रक्रिया को करने से आपको आपका मनचाहा जीवन साथी शीघ्र मिल जाता है। गुरु के मजबूत होने से धन धान वृद्धि सुखोपयोग विवेकशीलता तर्क न्याय से भरा जीवन सुलभ होता है, किंतु उसका बलहीन होना विवेकहीन अन्यायी कलंक आदि अपमान राजदंड से भय आदि प्रदान करवाता है। दाम्पत्य जीवन को सुखमय करने के लिए गुरु का उपाय बहुत जरूरी करना चाहिए। इसके लिए आपको गुरुवार का व्रत पीले वस्त्र दान करना है और धारण करना है। इसके अलावा गुरुवार को आप
चना या चने का दाल दान करना चाहिए। माँ कात्यायनी का मंत्र का जाप करना चाहिए। पीले पुष्पों से माँ कात्यायनी और भगवान कृष्ण की पूजा भी करनी चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि और शांति प्रदान होती है। ऐसे ऐसे उपाय हैं जिन्हें आपको कर लेने हैं। ऐसे चमत्कारी उपाय हैं, लाख कोशिशों के बाद भी जब न बने विवाह की बात तो कर लें ये महा उपाय। चलिए जानते हैं कुछ और ऐसे खास उपाय इस वीडियो के माध्यम से। बहुत ही चमत्कारी वीडियो होने वाला है आज का। बस आप अंत तक एक बार इस वीडियो को देख लेना है, बहुत ही काम आएगा आज का ये वीडियो। सभी के लिए जरूरी है देखना ये वीडियो। दोस्तों, सनातनी उपाय एवं सरल उपाय से बनेगी शादी की बात, थोड़ी सी पूजा और उपाय से मिलेगा मनचाहा जीवन साथी। कन्या के लिए योग्य वर की तलाश के लिए करें ये महा उपाय। चलिए जानते हैं, आज के समय में एक योग वर या वधु की तलाश करना आसान काम नहीं है। मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए लोग पढ़ाई लिखाई से लेकर कद काठी तक और नौकरी पेशा से लेकर गुण अवगुण तक बहुत कुछ देखते हैं। लड़के के लिए सुयोग लड़की तो फिर भी आसानी से मिल जाती है, लेकिन लड़की के लिए सुयोग वर ढूंढना माता पिता के लिए कठिन साबित होता है। जब तमाम कोशिशों के बावजूद भी आपकी चिंता लाजमी है, ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे उपाय और विशेष बताए गए हैं जिनसे न सिर्फ विवाह में आ रही बाधा दूर हो जाती है, बल्कि मनचाहा जीवन साथी पाने का सपना भी शीघ्र पूरा हो जाता है। आइए जानते हैं कन्या के शीघ्र विवाह के कुछ महा उपाय। मन मुताबिक व योग्य जीवन साथी शीघ्र ही पाने के लिए कन्या को बृहस्पतिवार का व्रत रखने के साथ ही केले के पेड़ की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। यह अत्यंत प्रभावी सनातनी उपाय माना जाता है। दूसरी बात, शीघ्र विवाह के लिए कन्या द्वारा 16 सोमवार का व्रत रखने और प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शीघ्र ही विवाह होता है। यदि कन्या का विवाह इन 16 सोमवार के बीच में तय हो जाए तो व्रत को अधूरा कदापि गलती से भी नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान शिव माता पार्वती की शीघ्र ही विशेष कृपा होती है। शीघ्र विवाह के लिए प्रत्येक सोमवार को कन्या द्वारा सामर्थ्य के अनुसार चने की दाल व 1.25 लीटर कच्चे दूध का दान भी करवा दीजिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। और प्रातःकाल स्नान के पश्चात पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं। अपनी मनोकामना को कहते हुए ऐसा लगातार 43 दिन तक करना है। रविवार अथवा निषेध काल में जल को नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके बाद श्री रामचरितमानस के बालकांड में भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का प्रकरण प्रतिदिन भक्ति भाव के साथ पाठ करें। यह उपाय भी अत्यंत शीघ्र प्रभाव और शुभ फल देने वाला माना जाता है। मान्यता यह है कि यदि कोई अविवाहित कन्या किसी विवाह के समय किसी दूल्हे के पास खड़ी हो जाए और उसके ऊपर पड़ने वाले अक्षत यदि कन्या के ऊपर भी आकर गिरे तो उस कन्या का विवाह शीघ्र ही उसी तरह संपन्न हो जाएगा। आने वाली नौ आपको कुछ गुरु पुष योग में केले की जड़ को निकालकर किसी भी शुक्ल पक्ष के गुरुवार को पीले कपड़े में सिलकर अविवाहित कन्या की बाई बाह पर बांधना शुभ माना जाता है। और अविवाहित कन्या बृहस्पतिवार के दिन पीला कपड़ा और शुक्रवार के दिन सफ़ेद कपड़े पहनना प्रारंभ कर दें। इसका सकारात्मक प्रभाव और जल्द विवाह की बात भी बन जाएगी। बहुत अच्छे चमत्कारी उपाय हैं, घरेलू उपाय हैं, बिना पैसों के उपाय हैं। अगर सच्चा और अच्छा जीवन साथी पाना चाहते हैं तो और जानिए कुछ साधारण से उपाय। शास्त्रों के अनुसार यदि आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं और उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं, या आपकी ज़िंदगी में अभी तक कोई आया नहीं है और आप एक सच्चे और अच्छे जीवन साथी की तलाश में हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देख लें। यह साधारण से उपाय आपको अपना सच्चा और अच्छा जीवन साथी मिलने में आपकी अवश्य मदद करेगा। कर लें ये उपाय। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में बांसुरी और पान अर्पण करें, इससे आपको प्रेम की शीघ्र ही प्राप्ति होती है। और दूसरी चीज, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने शुक्ल पक्ष में गुरुवार के दिन ओम लक्ष्मी नारायण नमः मंत्र का 3 बार माला से जप करें और 3 महीने तक हर गुरुवार को मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं। इससे आपको शीघ्र ही चमत्कार देखने को मिलेगा। जब भी आप ईश्वर के सम्मुख हों, सच्चे और अच्छे मन से प्रेम प्राप्ति के लिए ईश्वर से मनोकामना अपनी प्राप्त करने की इच्छा जाहिर करें, प्रभु जल्द ही कृपा करेंगे।
यदि आप किसी से प्रेम करते हैं और उसे अपना बनाना चाहते हैं तो आप माँ दुर्गा की पूजा करें और लाल रंग का ध्वज चढ़ाएं। माता रानी आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगी। शहद से रुद्राभिषेक करने से मनचाहा जीवन साथी मिलता है और 16 सोमवार के लगातार व्रत करने से सच्चा अच्छा और मनचाहा जीवन साथी मिल जाता है। भगवान श्री माता पार्वती की विशेष कृपा होती है। यदि प्रेमी या प्रेमिका में से कोई एक मांगलिक है तो विवाह का विचार करने से पहले अपने दोषों का निवारण जरूर कर लें और विवाह से पूर्व लाल रंग की वस्तुएं और कपड़े दान करें। सप्तमेश या सप्तम भाव में विराजमान ग्रह को शांत करने के लिए उपाय जरूर करवा लीजिए। लड़कियां अपने हाथों में हमेशा हरे रंग की चूड़ियां, प्रत्येक गुरुवार को पीले और शुक्रवार को सफ़ेद रंग का वस्त्र जरूर धारण करें। प्रेमी और प्रेमिका को कभी भी शनिवार और अमावस्या के दिन नहीं मिलना चाहिए। इस दिन में मिलने से आपस में दोनों में किसी न किसी बात पर विवाद हो सकता है और संबंधों में दरार आ सकती है। प्रेमी और प्रेमिका को शुक्रवार और पूर्णिमा के दिन अवश्य मिलना चाहिए। ध्यान रखें, यह दिन प्रेमी लोगों के लिए अत्यंत शुभ रहता है। अगर शुक्रवार के दिन पूर्णिमा हो तो जरूर मिलना चाहिए। उनके संबंध मजबूत होते हैं और परस्पर प्रेम भी बढ़ता रहता है। आप शुक्रवार के दिन किसी राधा कृष्ण मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण को फूल माला मिश्री चाहें और भगवान श्री कृष्ण से अपने प्रेम को प्राप्त करने की प्रार्थना भी करें। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आपको आपका सच्चा और अच्छा जीवन साथी शीघ्र ही मिल जाएगा। तो इन उपायों को आप कर सकते हैं। कोई भी उपाय जिससे भगवान विष्णु शंकर भगवान श्री राधा कृष्ण की ऐसी कृपा होगी, कहीं ना कहीं आपको सच्चा जीवन साथी, मनचाहा जीवन साथी, शीघ्र विवाह की संपन्नता भी मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर कर दें और सच्चे भाव से लिख दें जय श्री कृष्ण, जय शंकर भगवान की, जय बागेश्वर धाम की। मिलेंगे किसी नए जानकारी के साथ। ऐसी ज्ञानवर्धक बातें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। घरेलू उपाय पाने के लिए सब्सक्राइब करके रखें चैनल को। हर रोज मैं नई वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलेंगे नए जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्ण, जय हो शंकर भगवान की, जय विष्णु भगवान की।